बरसों से लोकपाल बिल धूल खा रहा है। क्या प्रधानमंत्री कानून के ऊपर है? अगर प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगे, अगर प्रधानमंत्री से किसी को शिकायत हो, वो कहां जाए, किसका दरवाजा खटखटाए? बरसों तक इसी बात पर चर्चा होती रही कि लोकपाल की परिधि में प्रधानमंत्री आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ये ठीक है कि उस दिन नरसिंह राव जी ने कहा था, तो मैंने कहा था कि मैंने क्लियरेंस दे दिया, प्रधानमंत्री का आप समावेश कर लें। लेकिन मैंने पूछा बिल कहां है, बिल नहीं आया। और मामलों पर अध्यादेश, सदन स्थगित होने के बाद और मामलों पर अध्यादेश जारी करने के लिए यह सरकार तैयार हो गई, ऐसे मामलों पर जिनका संबंध वोट बढ़ाने से था, वोट बैंक की राजनीति। इस मामले में नहीं, इस मामले में भी अध्यादेश लाया जा सकता। उस दिन मेरे मित्र इस बात की शिकायत कर रहे थे कि अदालतें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रही हैं। शायद कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता थे, जुडिशियल एक्टिविज्म। अगर पार्लियामेंट अपना काम न करे और एग्जीक्यूटिव फैसले न करे, मामले को लटकाए, और जब प्रधानमंत्री से पूछा जाए कि आप निर्णय क्यों नहीं करते, तो उनका उत्तर ये हो कि निर्णय न करना भी एक निर्णय है। मैं समाचार पत्रों में जो कुछ छपा है उसके आधार पर कह रहा हूं, अगर वो ठीक नहीं छपा तो नरसिंह राव जी उसे ठीक कर देंगे। निर्णय न लेना भी एक निर्णय है। अब ये कर्मयोग की स्थिति कैसे देश चलेगा? लेकिन निर्णय नहीं लिए गए। कभी कभी तो सरकार इस बात की प्रतीक्षा में रही कि निर्णय टाल दो, नए विवाद खड़े होंगे, तो झंझट मोल लेना क्या ठीक है, कोर्ट फैसला कर देगा। अब कोर्ट ऐसे मामलों में भी फैसला करने लगा है जो एग्जीक्यूटिव के मामले हैं, जो संसद द्वारा तय होना चाहिए। संसद अपने दायित्व का पालन क्यों नहीं कर सकती? एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारी क्यों नहीं ले सकती? लेकिन इसके लिए एग्जीक्यूटिव, इसके लिए कार्यपालिका ईमानदार होनी चाहिए, चुस्त होनी चाहिए, मामले लटकाए नहीं जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए, हम करना चाहते, जो भी आएगा उसे करना पड़ेगा, नहीं तो कोई 12 दिन रहेगा, कोई 6 महीने रहेगा, इस देश की जनता के साथ ही अन्याय होगा। लोगों ने अपना कर्तव्य किया है। अगर आप त्रिशंकु संसद हैं तो उसके लिए मतदाता दोषी नहीं है। शायद हम मतदाता के पास ठीक ढंग से अपनी बात नहीं कहते। कभी कभी तो मतदान की कमी देखकर ये चिंता होती थी कि क्या लोकतंत्र पर से लोगों का विश्वास उठ रहा है। कोई भी सरकार आए क्या होगा, ऐसा ही चलेगा, कोई उन्नप हो हमें कहा हानि, ये मंत्रा ने कहा था। इस देश में अब सब जगह मंत्रा की बात दोहराई जाए, जोड़ तोड़ करके सरकारें बनाई जाए, बने तो कार्यक्रम के आधार पर बने और देश को यह आश्वासन देने के बाद बने कि अब लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा, अब लोगों को अन्याय के लिए ऐसा नहीं होगा कि अन्याय के खिलाफ गुहार लगाने की जगह नहीं है। लेकिन इसका तो कोई नक्शा दिखाई नहीं देता। राष्ट्रपति महोदय ने बुलाया हमें क्योंकि हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे, अपनी विचारधारा के साथ उभरे, अपने कार्यक्रमों अपनी नीतियों के साथ उभरे। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में हमने कुछ अपने नीतियों का विवेचन किया है। ममता जी को उसमें केवल एक बात पर आपत्ति है
मुझे लगता है बाकी का सारा अभिभाषण उन्हें स्वीकार है। और भी मित्रों से मैं पूछना चाहूंगा, उस भाषण में कौन सी बात ऐतराज के लायक है? क्या इस बात का ध्यान रखकर क्या जो भी फैसले होना चाहिए वो आम सहमति से होना चाहिए? एक न्यूनतम कार्यक्रम पर देश को लाया जाए और फिर बाकी के मामले छोड़कर हम उसके लिए जुट जाएं, क्या इसकी आवश्यकता नहीं? लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिन पर भी विचार करने की जरूरत है। हमारे खिलाफ सबसे बड़ा आरोप क्या है? हम सांप्रदायिक हैं, हम सेक्युलरवादी नहीं हैं। इसलिए सेक्युलरवाद के जितने भी रक्षक हैं, आओ इकट्ठे हो जाओ, लाठी डंडे संभाल लो और भाजपा को सत्ता से हटाओ। लोकतंत्र संख्या का खेल है और संख्या हमारे पक्ष में नहीं है। हमने जन समर्थन प्राप्त करने में सफल हुए हैं, सबसे ज्यादा हमें जन समर्थन मिला है। कलमारी साहेब, कलमारी साहेब काय मणता मला ऐकू नहीं है थे। कलमारी साहब क्या कहते हैं ये दूसरों को समझना मुश्किल। अध्यक्ष महोदय, इस पहलू पर भी विचार होना चाहिए। कभी हम इस सदन में दो रह गए थे, पहली बार चुने गए तब चार थे। आएगा तब हम उसका सामना करेंगे। आज तो हम इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं कि आपके साथ कोई तुलना नहीं हो सकती। थोड़ी हम विजयी हुए हैं, हमें विनम्रता है, पराजय में तो आत्ममंथन होना चाहिए। आप सारे देश में थे, अब क्या हो रहा है? अब आज इस स्थिति से आप संतुष्ट हैं तो मुझे कुछ कहना नहीं, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता। इस देश में इस समय लोगों के विचारों में मंथन चल रहा है, चिंतन की दिशाएं बदल रही हैं, लोग पुरानी मान्यताओं को फिर से कसौटी पर कस रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जब संविधान के निर्माताओं ने शादी ब्याह के एक कानून बनाने की सिफारिश की और यह कहा कि राज्य उसकी तरफ ध्यान देगा, तो क्या वो सांप्रदायिक कारणों से प्रेरित थे? क्या यह सांप्रदायिक मुद्दा है? क्रिमिनल लॉ एक है, सिविल लॉ एक क्यों नहीं हो सकता? गोवा में अभी भी सिविल लॉ एक है। अगर मुस्लिम मित्रों को उसमें कठिनाई है तो वो कठिनाई आकर बता सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हमें थोड़ा और समय चाहिए अपने समाज को तैयार करने के लिए। ये नहीं कहा जा रहा है, और दल भी इस बात के लिए उन्हें प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो संशोधन करो, वक्त बदल रहा है। इस्लामिक देशों में पर्सनल लॉ में संशोधन हो रहे हैं, या थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। जेंडर इक्वेलिटी का मामला है, से हटाओ। लोकतंत्र संख्या का खेल है और संख्या हमारे पक्ष में नहीं है। हमने जन समर्थन प्राप्त करने में सफल हुए हैं, सबसे ज्यादा हमें जन समर्थन मिला है। कलमारी साहेब काय मणता मला ऐकू नहीं है थे। कलमारी साहब क्या कहते हैं ये दूसरों को समझना मुश्किल।
अध्यक्ष महोदय, इस पहलू पर भी विचार होना चाहिए। कभी हम इस सदन में दो रह गए, पहली बार चुने गए तब चार थे। आएगा तब हम उसका सामना करेंगे। आज तो हम इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं कि आपके साथ कोई तुलना नहीं हो सकती। थोड़ी हम विजयी हुए हैं, हमें विनम्रता है, पराजय में तो आत्ममंथन होना चाहिए। राष्ट्रपति महोदय ने बुलाया हमें क्योंकि हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे, अपनी विचारधारा के साथ उभरे, अपने कार्यक्रमों अपनी नीतियों के साथ उभरे। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में हमने कुछ अपने नीतियों का विवेचन किया है। ममता जी को उसमें केवल एक बात पर आपत्ति है, मुझे लगता है बाकी का सारा अभिभाषण उन्हें स्वीकार है। और भी मित्रों से मैं पूछना चाहूंगा, उस भाषण में कौन सी बात ऐतराज के लायक है? क्या इस बात का ध्यान रखकर क्या जो भी फैसले होना चाहिए वह आम सहमति से होना चाहिए? एक न्यूनतम कार्यक्रम पर देश को लाया जाए और फिर बाकी के मामले छोड़कर हम उसके लिए जुट जाएं, क्या इसकी आवश्यकता नहीं? लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिन पर भी विचार करने की जरूरत है। हमारे खिलाफ सबसे बड़ा आरोप क्या है? हम सांप्रदायिक हैं, हम सेक्युलरवादी नहीं हैं। इसलिए सेक्युलरवाद के जितने भी रक्षक हैं, आओ इकट्ठे हो जाओ, लाठी डंडे संभाल लो और भाजपा को सत्ता। बरसों से लोकपाल बिल धूल खा रहा है। क्या प्रधानमंत्री कानून के ऊपर है? अगर प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगे, अगर प्रधानमंत्री से किसी को शिकायत हो, वो कहां जाए, किसका दरवाजा खटखटाए? बरसों तक इसी बात पर चर्चा होती रही कि लोकपाल की परिधि में प्रधानमंत्री आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ये ठीक है कि उस दिन नरसिंह राव जी ने कहा था, तो मैंने कहा था कि मैंने क्लियरेंस दे दिया, प्रधानमंत्री का आप समावेश कर लें। लेकिन मैंने पूछा बिल कहां है, बिल नहीं आया। और मामलों पर अध्यादेश, सदन स्थगित होने के बाद और मामलों पर अध्यादेश जारी करने के लिए यह सरकार तैयार हो गई, ऐसे मामलों पर जिनका संबंध वोट बढ़ाने से था, वोट बैंक की राजनीति। इस मामले में नहीं, इस मामले में भी अध्यादेश लाया जा सकता। उस दिन मेरे मित्र इस बात की शिकायत कर रहे थे कि अदालतें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रही हैं, शायद कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता थे। जुडिशियल एक्टिविज्म, अगर पार्लियामेंट अपना काम न करे और एग्जीक्यूटिव जो भी आएगा उसे करना पड़ेगा, नहीं तो कोई 12 दिन रहेगा, कोई 6 महीने रहेगा, इस देश की जनता के साथ ही अन्याय होगा। लोगों ने अपना कर्तव्य किया है। अगर आत्मशंकु संसद है तो उसके लिए मतदाता दोषी नहीं है। शायद हम मतदाता के पास ठीक ढंग से अपनी बात नहीं कहते। कभी कभी तो मतदान की कमी देखकर ये चिंता होती थी कि क्या लोकतंत्र पर से लोगों का विश्वास उठ रहा है। कोई भी सरकार आए क्या होगा, ऐसा ही चलेगा, कोई उन्नप हो हमें कहा हानि, ये मंत्रा ने कहा था। इस देश में अब सब जगह मंत्रा की बात दोहराई जाए, जोड़ तोड़ करके सरकारें बनाई जाए, बने तो कार्यक्रम के आधार पर बने और देश को यह आश्वासन देने के बाद बने कि अब लोगों के साथ
अन्याय नहीं होगा आप लोगों को, अन्याय के लिए ऐसा नहीं होगा कि अन्याय के खिलाफ गुहार लगाने की जगह नहीं है। लेकिन इसका तो कोई नक्शा दिखाई नहीं देता कि फैसले न करें, मामले को लटकाए, और जब प्रधानमंत्री से पूछा जाए कि आप निर्णय क्यों नहीं करते, तो उनका उत्तर यह हो कि निर्णय न करना भी एक निर्णय है। मैं समाचार पत्रों में जो कुछ छपा है उसके आधार पर कह रहा हूं, अगर वो ठीक नहीं छपा तो नरसिंह राव जी उसे ठीक कर देंगे। निर्णय न लेना भी एक निर्णय है। अब ये कर्मयोग की स्थिति कैसे देश चलेगा, लेकिन निर्णय नहीं लिए गए। कभी कभी तो सरकार इस बात की प्रतीक्षा में रही कि निर्णय टाल दो, नए विवाद खड़े होंगे, तो झंझट मोल लेना क्या ठीक है, कोर्ट फैसला कर देगा। अब कोर्ट ऐसे मामलों में भी फैसला करने लगा है जो एग्जीक्यूटिव के मामले हैं, जो संसद द्वारा तय होना चाहिए। संसद अपने दायित्व का पालन क्यों नहीं कर सकती, एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारी क्यों नहीं ले सकती? लेकिन इसके लिए एग्जीक्यूटिव, इसके लिए कार्यपालिका ईमानदार होनी चाहिए, चुस्त होनी चाहिए, मामले लटकाए नहीं जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए, हम करना चाहते हैं।